Hello students, in the last lecture I told you the formula for finding the area of the triangle. ठीक है, पिछले हमने लेक्चर में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था. हाफ द बिग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई थ्री प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई वन एक्स टू प्लस वाई टू एक्स थ्री प्लस वाई थ्री एक्स वन, या एक्स वन इन द ब्रैकेट हाफ एक्स वन इन द ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू. ये आप देखिए, एक्स वन है तो वाई टू माइनस वाई थ्री है, एक्स टू है तो वाई थ्री माइनस वाई वन है, एक्स थ्री है तो वाई वन माइनस वाई टू है. इसको इस ट्रिक से के साथ याद करिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स या संरेखीय बिंदु प्रूव करने के लिए. तो संरेखीय बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो तीन पॉइंट्स या वो पॉइंट्स जो किसी एक सीधी रेखा पर लाई करते हैं, एक सीधी रेखा पे होते हैं, तो हम कहते हैं ये बिंदु संरेखीय हैं. द पॉइंट्स विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन वी से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. तो इसी फॉर्मूले का यूज हम कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के लिए भी करेंगे. इसमें सिर्फ इतना करना होता है कि एरिया हमको जीरो करना पड़ता है. अगर ट्राइंगल है, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो इस ट्राइंगल का कोई ना कोई एरिया होगा. और अगर ये तीन पॉइंट्स, आपको पता है कि ट्राइंगल में थ्री वर्टिसेस होते हैं, तीन होते हैं कोने होते हैं, तो अगर ये तीनों कोने एक सीधी रेखा पे हैं, तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल बन नहीं रहा है. और ट्राइंगल बन नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये जो एरिया जो है इसका, वो शून्य है, जीरो है. ठीक, तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके अगर हम ये शो कर दें, ये दिखा दें कि इसका ट्राइंगल का एरिया जीरो आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेखीय या कोलिनियर होंगे. ठीक, टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द थ्री पॉइंट्स शुड बी जीरो. इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए. ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने करके दिखाया हुआ है. ये क्वेश्चन में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, और मे बी ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, कहीं स्क्वायर दिया हुआ है या क्यूब दिया हुआ है. इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा. ए टी वन कॉमा ए अपॉन टी वन, ए टी टू कॉमा ए अपॉन टी टू, ए टी थ्री कॉमा ए अपॉन टी थ्री. ये तीन त्रिभुज के तीन बिंदु दिए हुए हैं, और हमें प्रूफ करना है कि इन बिंदुओं से को मिलाकर बनाने वाले त्रिभुज, ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं या नहीं. इसका एरिया निकालना है, सॉरी, इसका एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे. हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा. हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू. तो एक्स वन हमारा ए टी वन है, वाई वन हमारा ए अपॉन टी वन है, एक्स टू ए टी टू है, वाई टू ए अपॉन टी टू है, एक्स थ्री ए टी थ्री है, और वाई थ्री ए अपॉन टी थ्री है. तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, एक्स वन की जगह ए टी वन, वाई टू माइनस वाई थ्री की जगह ए अपॉन टी टू माइनस ए अपॉन टी थ्री प्लस ए टी टू ए अपॉन टी थ्री माइनस ए अपॉन टी वन प्लस ए टी थ्री इन द ब्रैकेट ए अपॉन टी वन माइनस ए अपॉन टी टू. ठीक, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहां हो जाएगा टी टू टी थ्री. तो यहां मिलेगा हमको, आप देखेंगे कि ए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इसको अगर हम बाहर लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा. यहां भी ए स्क्वायर हो जाएगा और यहां भी ए स्क्वायर हो जाएगा. तो ए स्क्वायर पूरे में कॉमन है, तो हमने ए स्क्वायर को पूरे से कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर अपॉन टू बाहर हो गया. बाकी यहां बचा टी वन, यहां वन अपॉन टी टू बचा, माइनस वन अपॉन टी थ्री. तो एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा टी थ्री माइनस टी टू. देन
प्लस टी टू, इसका एलसीएम लेंगे टी वन माइनस टी थ्री मिल जाएगा, प्लस टी थ्री, टी टू माइनस टी वन मिला, और डिनोमिनेटर में टी वन इंटू टी टू, ठीक, ए स्क्वायर अपॉन टू बचा। अब हम टी वन, अब इस पूरे का एलसीएम लेंगे, प्लस साइन है बीच में, अभी तक हमने सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया था, अब इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा टी वन टी टू टी थ्री, ठीक, टी वन टी टू टी थ्री हुआ, तो यहां टी टू टी थ्री है, इसका मतलब टी वन बचेगा, तो टी वन से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां बच जाएगा टी वन स्क्वायर, और टी थ्री माइनस टी टू था ही, यहां बच जाएगा टी टू स्क्वायर, टी वन माइनस टी थ्री, प्लस टी थ्री स्क्वायर, टी टू माइनस टी वन, ठीक। अब ये ब्रैकेट हमने खोल दिया है, तो टी वन स्क्वायर टी थ्री माइनस टी वन स्क्वायर टी टू, प्लस टी टू स्क्वायर टी वन माइनस टी टू स्क्वायर टी थ्री माइनस, कॉमन ले लिया है टी वन माइनस टी टू कर लिया है, तो माइनस टी थ्री स्क्वायर इन द ब्रैकेट टी वन माइनस टी टू, ठीक। ये आगे बताएंगे कि क्यों कॉमन, क्यों माइनस कॉमन लिया है। तो अब हमें ये मिल गया, हम एक को छोड़ देंगे एज इट इज, हमें यही ऐसा पेयर बनाना है कि हमें टी वन माइनस टी टू बाकी में भी मिल जाए। तो हम देखेंगे कि टी थ्री कॉमन ले रहे हैं, तो यहां माइनस टी टू स्क्वायर आ रहा है, और यहां पर टी वन स्क्वायर आ रहा है, इसमें से टी थ्री कॉमन लिया तो हमें मिल गया टी थ्री इन द ब्रैकेट टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। आप देखिए, हमने इन दोनों का पेयर लिया, तो टी वन माइनस टी टू मिल गया, और यहां भी इन दोनों का पेयर लिया जिसमें से टी थ्री कॉमन है, तो टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर मिल गया, ठीक। अब इन दोनों में टी वन टी टू कॉमन ले लिया, माइनस टी वन टी टू, तो ये माइनस टी वन टी टू हुआ, तो ब्रैकेट में बचा टी वन माइनस टी टू, ठीक, इन दोनों में से। फिर ये एज इट इज आएगा, क्योंकि यहां पर टी वन माइनस टी टू ऑलरेडी था। तो अब हम जब कॉमन ले लिए हैं, तो अब हम देखें, यहां भी टी वन माइनस टी टू है, यहां भी टी वन माइनस टी टू है, यहां भी हमको टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर इसको तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी मिल जाएगा, ठीक। तो यहां पर टी वन प्लस टी टू और टी वन माइनस टी टू, ये ब्रेक हो गया, ये एज इट इज लिख दिया है। टी वन माइनस टी टू कॉमन ले लिया, और टू टी वन टी टू टी थ्री, ये कॉमन हो गया, ठीक। अब यहां पर बचा टी थ्री और टी वन प्लस टी टू, फिर इसको ब्रेक कर दें, तो टी थ्री इंटू टी वन और टी थ्री इंटू टी टू मिल जाएगा, ठीक। और यहां से बचा टी वन टी टू, और यहां बचा टी थ्री स्क्वायर, ठीक। अब हम इन चारों में ऐसे दो का पेयर बनाएं कि टी थ्री माइनस टी वन मिल जाए, या टी वन माइनस टी थ्री मिल जाए, मीन्स हमको जो भी पेयर बनाएंगे उसमें कॉमन होना चाहिए, टी वन माइनस टी थ्री मिल जाए, या तो टी थ्री माइनस टी वन। तो हमने इसका और इसका पेयर बनाया, टी थ्री कॉमन है, तो हमें मिल गया टी वन माइनस टी थ्री माइनस टी वन। इन दोनों का पेयर बनाया, टी टू कॉमन है, बचा हमारे पास टी थ्री माइनस टी वन। अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे, तो अगर सिर्फ टी थ्री कॉमन लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा माइनस टी थ्री एंड टी वन, टी वन माइनस टी थ्री, हमें चाहिए टी थ्री माइनस टी वन, तो माइनस टी थ्री कॉमन लेंगे, तो मिल जाएगा टी थ्री माइनस टी वन। तो फाइनल हमारा आंसर हो गया ए स्क्वायर टी वन माइनस टी टू, टी टू माइनस टी थ्री एंड टी थ्री माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री। ओके,
तो एरिया का फॉर्मूला आप ये अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसलिए हमने कर दिया है, इसको आप ध्यान से देख के कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, इफ द थ्री पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई -5,7 एंड -4,5 आर कोलिनियर, देन प्रूव दैट 2x + y + 3 = 0। यदि बिंदु एक्स वाई कॉमा -5,7 और संरेखी हैं, ये दिया हुआ है कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो हमें प्रूफ करना है 2x + y + 3 = 0 है। अब संरेखी दिया हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि बिंदु संरेखी हैं अतः क्षेत्रफल जीरो होगा, इसलिए हमें पता चल गया कि क्षेत्रफल हमारा जीरो है, यानी कि एरिया हमारा, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, वी आर नोइंग इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर द एरिया विल बी जीरो। तो हम एरिया निकालेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और ये इज इक्वल्स टू जीरो रखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, वैल्यूज पुट कर दी हमने, x1 y1 हो गया, x2 y2, x3 y3। तो x1 इज x, x रख दिया, y2 - y3 यानी कि 7 - 5 हो गया, फिर x2 इज -5, y3 - y1, 5 - y हो गया, x3 इज -4 - 4 एंड y1 - y2 y - 7। ठीक, ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 इज 0, तो हमारा बचा 2x माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये 7 - 5 = 2, तो 2x हो गया, यहाँ पर -25 +5y -4y एंड +28, तो इसको सॉल्व कर दिए तो हमारा ये प्रूफ हो गया 2x + y + 3 = 0। इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, इफ द थ्री पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड x, y आर कोलिनियर, देन प्रूव दिस। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है, सेम प्रूफ करना है, सिंस कोलिनियर या संरेखी दिए हुए हैं इसका मतलब एरिया जीरो होगा इसका, तो फॉर्मूला लिख के इज इक्वल्स टू जीरो कर लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हम प्रूफ कर सकते हैं। यहां से हमको मिल गया ab - ay - xb = 0। ए बी को इस साइड में ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा bx + ay = ab। ए बी से डिवाइड कर दें क्योंकि हमें प्रूफ करना इज इक्वल्स टू 1। ए बी से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर b कैंसिल हो जाएगा तो x / a मिल जाएगा, और यहां पर a कैंसिल हो जाएगा, y / b मिल जाएगा, और इधर इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, और जहां प्रूफ करना है कि पॉइंट्स को लीनियर हैं वहां पर आप वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू जीरो आनी चाहिए, अगर जीरो नहीं आ रही है इसका मतलब संरेखी या को लीनियर नहीं है, एंड इफ द वैल्यू इज नॉट कमिंग इज कमिंग जीरो देन दे आर को लीनियर। इज दैट क्लियर? थैंक यू।